हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत ये जब हम डीएनए और आरएनए की संरचना पढ़ रहे हैं तो उसी में आरएनए तीन प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, जिसमें से टीआरएनए कुछ यूनिक स्ट्रक्चर के कारण फेमस है। और हम जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स में काम आती है। आज हम टीआरएनए की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मैं डॉक्टर नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईएससी गवर्नमेंट कॉलेज अलवर। टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए इज आल्सो नेम्ड एज एसआरएनए, सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, सुपरनेटेंट आरएनए या अडेप्टर आरएनए भी इसको बोल देते हैं। और ये नियरली टीआरएनए में 60 स्मॉल साइज राइबो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, 10 to 15% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए एस टी आरएनए, जो जितना भी आरएनए है उसका 10 से 15% ये टीआरएनए होता है। और इस टीआरएनए में स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो 74 से लेकर 90-95 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। टीआरएनए का सेडिमेंटेशन कॉन्स्टेंट 3.8 है, मॉलिक्यूलर नियरली इतने डाल्टन है। टीआरएनए आर मेड अप ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियर, एक सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियर चेन का ही बना हुआ है, लेकिन इसकी कुछ यूनिक फीचर्स हैं। यूनिक फीचर इसलिए कि कुछ अनयूजल बेस पेयर होते हैं। जब हम डीएनए और न्यूक्लिक एसिड की संरचना के बारे में पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेसिस एडिनिन ग्वानिन, ये नाइट्रोजन बेसिस AUGC होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और नाइट्रोजन बेसिस इसमें देखने को मिले हैं, इस कारण वो अनयूजल बेस कहलाते हैं। दीज अनयूजल बेसिस आर इम्पोर्टेंट एज दे प्रोटेक्ट टीआरएनए, ये प्रोटेक्ट करते हैं टीआरएनए को डिहाइड्रेशन। ये आरएनएज एंजाइम जो है, आरएनएज एंजाइम जो है, डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए टीआरएनए का उससे, और प्रोटेक्ट मेनली बाई मैथाइलेशन। मैथाइलेशन किस तरह से प्रोटेक्ट होता है, मैथाइलेशन में कुछ है आइनोसिन, एडिनिन का, स्यूडो यूरोसिल यूरेसिल, डिहाइड्रोक्सी यूरिडिन यूरिन का, इस प्रकार से ये अनयूजल बेसिस हैं। जैसे ये यूरेडिन है, इस यूरेडिन का स्यूडो यूरेडिन बन जाता है और एडिनोसिन का आइनोसिन बन जाता है और यूरिडिन का डिहाइसो यूरिडिन बन जाता है। इस प्रकार के ये कुछ अनयूजल बेसिस हैं जो टीआरएनए में मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसे हम क्लोवर लीफ मॉडल के रूप में पढ़ते हैं, और फिर टर्शरी स्ट्रक्चर आती है 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए जो एल शेप होती है या हेलिक्स स्टैकिंग कहलाती है। जनरली जो भी आरएनए होता है वो लीनियर शेप में होता है, ठीक है, और एमआरएनए लीनियर शेप में, टीआरएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर शेप में, लेकिन इसकी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर भी देखने को। प्राइमरी स्ट्रक्चर हम देखते हैं 5 डेज एंड से लेकर 3 डेज एंड तक, ये पूरा के पूरा लीनियर टीआरएनए होता है। यही जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये डी आर एंटीकोडन लूप, डिफाइसी आर एमिनो एसिड एक्सेप्टर, ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं लीनियर रूप में। लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 60 to 19 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और मोस्ट कॉमनली 76 के आसपास रहते हैं। मेनी मॉडिफाइड बेसिस जैसे आइनोसिन वगैरह, सीडोरिडिन वगैरह है, वो इसमें उपस्थित होती है, वो 20% तक होती है। ऑल ऑफ देम आर क्रिएटेड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड के वक्त इनकी ये बनती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि रॉबर्ट होली ने सबसे पहले 1968 में दी थी, क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। उन्होंने देखा कि ये क्लोवर क्लोवर जो प्लांट्स है उसकी लीफ के अकॉर्डिंग ही इसकी संरचना देखने को मिली, और उन्होंने इसका मॉडल बनाया, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ मॉडल। यदि 5 डेज एंड से स्टार्ट करते हैं तो ये डी लूप, एंटीकोडन लूप और टी5 और एसेप्टर, ये 4 प्रकार के आर्म्स हमें देखने को मिलती है। एसेप्टर आर्म्स मिलती है, टी5 लूप मिलता है, एंटीकोडन और डी आर्म, और एक ही होती है वेरिएबल आर्म, इसमें वेरिएशन रहता है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है।
अब इनके प्रत्येक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दिस इज द एक्सेप्टर आर्म्स, ये एक्सेप्टर आर्म्स है। 5 डिसेंट पे GGACGUG लगा हुआ, और ये यहाँ 3 डिसेंट पे ACC या 5 डिसेंट से लेंगे CCA करके, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स है। यहाँ अमीनो एसिड आके जुड़ता है, और जब ये जुड़ता है तो एस्टर बॉन्ड बनता है। इसके अलावा ये कहलाती है T5C आर्म, राइबोसोमल वाइंडिंग आर्म होते हैं T5C, क्योंकि टी और सुडोरिडिन और साइटोसिन इसमें उपस्थित होता है। एंटीकोडोन आर्म और ये डी आर्म, जो रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, और यह mRNA के कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। इस प्रकार से ये रिकॉग्निशन होता है। और अब इन प्रत्येक आर्म के बारे में हम डिटेल, यहाँ ये आप जान लें कि ये जहाँ पेयरिंग हो जाती है तो स्टेम बन जाता है, जहाँ पेयरिंग नहीं होती तो ये लूप बनता है। तो स्टेम और लूप, स्टेम और लूप, या स्टेम और लूप, इस तरह यहाँ लूप नहीं है। ठीक है, पहला जान लेते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स। ये डबल हेलिकल संरचना है, बोथ 5 डेज और 3 डेज एंड ऑफ tRNA। 7 बेस पेयर जो है ना अनपेयर्ड हो जाते हैं, और जब 3 डेज एंड पे हम बात करते हैं तो 5 डेज एंड जब गिनते हैं तो CCA और 3 डेज एंड आ जाता है, ये हो उपस्थित होता है। और OH एट द टिप, जैसे अभी इसमें हमने देखा कि OH ऑफ द टिप, OH उपस्थित होता है। साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ, ये है अमीनो एसिड यहाँ आके जुड़ता है, तो COOH स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ये COOH जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना के अमीनो एसिड का बॉन्ड का एस्टर बॉन्ड बनाता है, इसी कारण इसको अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स कहते हैं। सेकेंड है डी आर्म, ठीक है, DHU, ठीक है। दिस आर्म कंटेन्स द स्टेम एंड लूप, ये स्टेम होगा और ये लूप होगा, और इसमें डीहाइड्रोयूरेसिल उपस्थित होता है, इसलिए इसको डी आर्म बोलते हैं, DHU, डीहाइड्रोयूरेसिल, तो डी आर्म बोलते हैं। 4 बेस पेयर का तो स्टेम होगा, 1, 2, 3, 4, और फिर इसके बाद डिहाइड्रोडिन यूरिन की बेस कंटेंट लूप होगी। ये रिकॉग्निशन साइट है फॉर स्पेसिफिक एंजाइम, कौन सा, अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस के लिए, जो अमीनो एसिड को एक्टिव करता है, एक्टिवेट करेगा वो इस आर्म का। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द tRNA टर्शियरी स्ट्रक्चर। तीसरा है T5C आर्म, इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें थाइमिन है और सुडोरिडिन, जो 5 बोलते हैं, सुडोरिडिन और साइटोसिन, ये 3 इस क्रम में लगे होते हैं, इसलिए T5C, थाइमिन, सुडोरिडिन और साइटोसिन, इसलिए T5C आर्म। इसमें भी ये स्टेम्स है और ये लूप है, स्टेम्स से 5 बेस पेयर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 बेस पेयर होंगे, और आउटर मोस्ट ऑफ दिस पेयर इज सी जी। लूप कंटेन 7 अनपेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनपेयर न्यूक्लियोटाइड। दिस लूप कंटेन है राइबोसोम रिकॉग्निशन, ये राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट कहलाती है, ठीक है, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। नेक्स्ट है एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन, दिस आर्म ऑल्सो कंटेन स्टेम एंड लूप, इसमें भी स्टेम लूप होंगे और स्टेम में 5 बेस पेयर होंगे और 7 अनपेयर बेस पेयर होंगे, ठीक है। आउट ऑफ दिस 7 अनपेयर में, इसमें 7 में से जो 3 होंगे, ये दैट इज मिडिल के जो 3 है, ये एंटीकोडोन कहलाएंगे, और ये एंटीकोड ही नहीं, कोडोन ही mRNA पर उपस्थित जेनेटिक कोड है, ट्रिपल कोड है, उसके कोडोन के अगेंस्ट होंगे, इसलिए एंटीकोडोन कहलाते हैं। एंटीकोडोन रिकॉग्नाइज एंड कोडोन ऑफ mRNA एंड बाइंड टू इट, दैट इज द एंटीकोडोन। द ओरिजिनल बबल पेयरिंग होगी जब tRNA 5 डेज से एंटीकोडन बेस होगा, तो ए से तो यू होता ही है, सी से जी होगा ही, लेकिन जी से सी या कभी कभी यू, और यू से ए कभी कभी जी, और आई से ए और सी एंड यू, ये कुछ बबल हाइपोथेसिस जो जेनेटिक कोड में हमने जाना था। वेरिएबल आर्म, नेक्स्ट आर्म है वेरिएबल आर्म, वेरिएबल आर्म में 3 से लेकर 21 तक न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी किस प्रकार का अमीनो एसिड।
ए कहाँ होगी? बिटवीन एंटीकोडन लूप एंड टी फाइसी लूप के बीच होगी। दिस वेरिएबल आर्म इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी है, मे प्रेजेंट और एब्सेंट, इट डिपेंड ऑन स्पीसीज। द लेंथ ऑफ वेरिएबल आर्म इज इंपॉर्टेंट इन द रिकॉग्निशन ऑफ द अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेसिस फॉर द टीआरएन। ये स्टेबिलिटी टीआरएनए की स्टेबिलिटी में मदद करती है। टीआरएनए आज कॉल्ड क्लास वन इफ दे लैक इट एंड क्लास टू इफ दे हैव इट। यदि वेरिएबल आर्म है तो क्लास वन टीआरएनए के लाएगा और यदि नहीं है तो क्लास वन वन के लाएगा और है तो क्लास टू टीआरएनए के लाएगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब टर्शियरी स्ट्रक्चर देखिए तो ये एल शेप लूप में, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी, सेकेंडरी टी फाइव से लूप इधर मूव कर जाता है और ये इस डायरेक्शन में आता है, तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बन जाती है टी फाइव से लूप में जाएगा, दैट इज द थ्री डी स्ट्रक्चर। एसेप्टर स्टेम्स एंड टी फाइव सी स्टेम स्टेम फॉर्म एक्सटेंडेड हेलिक्स, एंटीकोडन स्टेम एंड डी लूप स्टेंड एक्सटेंड हेलिक्स, डी लूप एंड टी लूप अलाइन टूगेदर, डी लूप एंड टी लूप, डी लूप और टी लूप दोनों पास पास में आ जाते हैं, बोथ एक्सटेंडेड हेलिसेस अलाइन एट राइट। इस प्रकार का ये थ्री डी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये इस प्रकार की वो उसी न्यूक्लियोटाइड हम दिखा देते हैं, तो इस प्रकार से ये डी आर और टी आर अमीनो एसिड आर्म और एंटीकोडन आर्म भी है, इस तरह से ये संरचना बनी होती है। ये उसी संरचना को और अमीनो एसिड आर एन ए, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टी फाइव सी आर्म यहाँ होगा, ये टी फाइव सी आर्म, डी एच यू आर्म और एंटीकोडन आर्म, ये एंटीकोडन आर्म, ये इसकी टोटल ये 672 के आसपास, ये वन से लेके 72 अमीनो एसिड। स्टेबिलिटी और एल स्ट्रक्चर, कैसे स्टेबिलिटी हैगी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर टीआरएनए इज प्रोड्यूस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बीच बीच में बनी हुई है जिनका बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस है और नाइट्रोजन बेस और राइबोस फॉस्फेट बैकबोन के बीच में, बिटवीन राइबोस और फॉस्फेट बैकबोन इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन के करने के कारण स्टेबिलिटी रहती है और ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट टी लूप डी लूप और एंटीकोडन आर्म, ठीक है, ये इस प्रकार से टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। क्या फंक्शन है? ये रिकॉग्निशन है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस के लिए, और स्पेसिफिक अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम तक लेके जाएगा और अटैच इटसेल्फ टू राइबोसोम इन अकॉर्डेंस विद द सीक्वेंस स्पेसिफाइड और ट्रांसमिट अमीनो एसिड टू पॉलीपेप्टाइड चेन को, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एसिड को लाने का काम टीआरएनए का। पार्टिसिपेट इन नॉन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, ये एक और है, सच एज प्राइमरी के रूप में ड्यूरिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन रेट्रोवायरस लाइफ, ये भी एक काम है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टीआरएनए। सब रेफरेंसेस, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रैक्टिस है, और थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही, ओके।